द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। नेटो के सहयोगी देशों में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दवान ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों को एक चेतावनी दी है कि वो तुर्की के साथ कोई झमेला मोल ना लें। राष्ट्रपति अर्दवान ने साल 1980 के सैन्य तख्तापलट की 40वीं वर्षगांठ पर इस्तांबुल में एक भाषण के दौरान कहा, तुर्की के लोगों से पंगा लेने की कोशिश मत करिए, तुर्की के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए। दरअसल फ्रांस ने पिछले महीने खुले तौर पर तुर्की की उस वक्त निंदा की थी जब वो ग्रीस और साइप्रस हाइड्रोकार्बन के संसाधनों और पूर्वी भूमध्य सागर में नौसैनिक प्रभाव को लेकर आमने सामने आ गए थे और हालात काफी तनावपूर्ण दिख रहे थे। वहीं राष्ट्रपति अर्दवान ने ग्रीस को आग्रह किया है कि वो फ्रांस जैसे देशों के उकसावे में आकर पूर्वी भूमध्य सागर में गलत हरकतों को अंजाम देने से बचे, खासकर ऐसे समय में जब ग्रीस और तुर्की के नौसैनिक अभ्यासों के बीच फ्रांस ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। उधर अमेरिका ने तुर्की से पूर्वी भूमध्य सागर में उन सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने का आग्रह किया है जिनसे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका हो। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सभी पक्षों से कूटनीतिक रास्ता अपनाने को कहा। शनिवार को साइप्रस की यात्रा के दौरान प्रेस से बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था, तुर्की प्राकृतिक संसाधनों की खोज में नए इलाकों में तलाश कर रहा है। इनमें कुछ इलाके वो हैं जिन पर ग्रीस और साइप्रस अपना हक जताते हैं। वो तुर्की की गतिविधियों से बेचैन हैं और हमें भी चिंता है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इसे किसी का फायदा नहीं होगा बल्कि विभाजन ही होगा, एकता में दरार पड़ेगी। इन देशों को अपनी आपसी असहमतियों को शांतिपूर्वक ढंग से कूटनीतिक तरीकों से निपटाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ये बात समझाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीस के प्रधानमंत्री और तुर्की में अपने समकक्ष राष्ट्रपति अर्दवान से जल्द ही बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को कहा था कि यूरोपीय लोगों को तुर्की और वहां के लोगों को लेकर नहीं पर अर्दवान सरकार की अस्वीकार्य गतिविधियों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ होना चाहिए। मैक्रों ने ये बात यूरोपीय संघ की एक बैठक में कही थी। इससे पहले यूरोपीय संघ ने तुर्की को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर पूर्व भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस के साथ तनाव कम करने की तुर्की ने कोशिश नहीं की तो उस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। नेटो के अन्य सदस्य देशों का मानना है कि ताजा विवाद तुर्की की वजह से शुरू हुआ है जिसने 10 अगस्त को पूर्वी भूमध्य सागर में गैस के भंडार खोजने वाले अपने उरुक्रीज जहाज को भेजा और जिसके साथ युद्धक जहाज भी थे। इसके साथ ही तुर्की ने अपने मिशन को 3 गुना लंबा भी कर दिया। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दवान ने अपनी ताजा टिप्पणी में इन सभी दावों को खारिज किया और कहा कि मैक्रों को इतिहास के बारे में अपनी समझ थोड़ी और दुरुस्त करनी चाहिए। अर्दवान ने कहा कि फ्रांस तुर्की को न समझाए कि क्या करना है, मैक्रो पहले फ्रांस का इतिहास पढ़ें और अपने देश का रिकॉर्ड चेक करें कि रवांडा और अल्जीरिया में उन्होंने क्या किया है। अर्दवान के इस बयान को पूर्वी भूमध्य सागर में ताजा तनाव के दौरान नाम लेकर किया गया अब तक का सबसे सीधा हमला माना जा रहा है। अपने भाषण में अर्दवान ने कहा, मैक्रो तुम्हारे पास वैसे भी कम समय बचा है, तुम अब ये समझो कि एक ही टांग पर खड़े हो। दरअसल फ्रांस में साल 2022 में अगले राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इसी के संदर्भ में अर्दवान ने मैक्रो पर ये तंज कसा है। अर्दवान ने ये धमकी भी दी कि मैक्रो तुम्हें मेरे साथ और दिक्कतें होने वाली हैं। इन दोनों नेटो सहयोगी देशों फ्रांस और तुर्की के बीच पूर्वी भूमध्य सागर को लेकर तनाव बढ़ा ही है पर दोनों के बीच सीरिया और लीबिया संघर्ष को लेकर भी मतभेद रहा है। अर्दवान ने अपने भाषण में फ्रांस पर आरोप लगाया कि वो पेट्रोल के लिए लीबिया और डायमंड सोने और तांबे के लिए अफ्रीका का फायदा उठा रहा है। मौजूदा तनाव के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी तुर्की के बारे में तीखी बयानबाजी कर चुके हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हाल में कहा था कि तुर्की अपने खिलाफ कार्रवाई चाहता है, वो बातचीत का रास्ता समझना ही नहीं चाहता। अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उससे बातचीत करते रहने और उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। मैक्रों ने कहा था कि जब बात भूमध्य सागरीय देशों की संप्रभुता की आती है तो फ्रांस ने अपनी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रखा है। मेरी राय है कि तुर्की ने हाल के वक्त में जो रणनीति अपनाई है वो किसी नेटो सदस्य की रणनीति नहीं हो सकती। वो यूरोपीय संघ में शामिल 2 देशों की संप्रभुता और उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला कर रहा है। वो अपनी हरकतों से अब यूरोपीय संघ को उकसा रहा है। कुल मिलाकर तुर्की और फ्रांस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।